अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम अख्तर नवाज़ खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम वीडियो, बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और अगर आप अपने जॉब के लिए अपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, तो आज की ये वीडियो पूरी देखें, यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा और आपके टेस्ट की तैयारी के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल, यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किस सन में उन्होंने वफात पाई थी? तो इसके आपके पास ऑप्शंस हैं 1938, 1940, 1939, 1941। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1938। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर मंगला डैम कंप्लीटेड, यानी कि मंगला डैम किस साल मुकम्मल हुआ? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1977 एंड ऑप्शन डी 1997। तो करेक्ट आंसर जो इसका है ऑप्शन ए है, 1967। क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, विच इज़ द मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खरीफ की फसल कौन सी है? चार ऑप्शंस हैं, कॉटन, ग्रेम, वीट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कॉटन। क्वेश्चन नंबर फोर, पाकिस्तान हैज़ 10% एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी कि पाकिस्तान का कितना फ़ीसद इलाका जो है वो जंगलात पर मोहित है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8.5, ऑप्शन टू 4.5, ऑप्शन थ्री 3.5 एंड ऑप्शन डी जो है 5.7। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, 5.7। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी कि स्मोक एंड फॉग के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए स्मोग्रा, ऑप्शन बी स्मोग, ऑप्शन तीन जो है स्मोगम और ऑप्शन डी जो है आपके पास स्मोगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्मोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कराकोरम रेंज, यानी कि कराकोरम रेंज की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 7500, 7000, 7300 या फिर 7100 मीटर। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 7000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर सेवन है, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा डैश, यानी कि कौन सी सूरत में ये कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं? चार ऑप्शन हैं, ऑप्शंस को गौर से पढ़ लें, सूरत अल मुज़म्मिल, सूरत अल यासीन, सूरह मोहम्मद और सूरत अल फतह। तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सूरह अल फतह। याद रखिएगा ये सूरह फातिहा नहीं है, सूरत अल फतह है। क्वेश्चन नंबर एट है जी, द नेम ऑफ मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन डैश टाइम इन द होली कुरान। सिंपली ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि नाम है मोहम्मद कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है, या कुरान पाक में मोहम्मद का नाम लेकर कितनी दफ़ा जिक्र किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 4 टाइम। क्वेश्चन नंबर नाइन है जी, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की बुलंद तरीन जो बिल्डिंग है वो कौन सी है? मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। तो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो है वो ऑप्शन सी है, बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में वाकिया है। क्वेश्चन नंबर टेन है जी, लॉर्ड माउंटबेटन पास्ड अवे ऑन डैश, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो कब फोत हुए थे? ऑप्शन ए है 27 अगस्त 1979, ऑप्शन बी है 27 अगस्त 1980, ऑप्शन सी है 27 अगस्त 1975 और ऑप्शन डी है 27 अगस्त 1977। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 27 अगस्त 1979। क्वेश्चन नंबर 11, विन मोहम्मद अली जिना गेव 14 पॉइंट्स, यानी कि कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने अपने 14 निकात कब पेश किए? ऑप्शंस है 1929, 1930, 1931 और लास्ट ऑप्शन है 1940। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 1929। क्वेश्चन नंबर 12,
आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट, ऑप्शन ए है एवरी सिटीजन, ऑप्शन बी है चिल्ड्रंस बेसिक एजुकेशन, ऑप्शन सी है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है, करतारपुर बॉर्डर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। ऑप्शंस है जी सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, और ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नारोवाल। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कौन सी डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शंस हैं जी ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन थ्री बैटरी, और ऑप्शन डी जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बैटरी। क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, फोर ऑप्शंस है ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, और ऑप्शन डी जो है वो इस्लामाबाद है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लंदन। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेश, फोर ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, वेयर इज कैलाश वैली, यानी कि कैलाश वैली कहाँ वाकया है। चार ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केपीके, ऑप्शन बी बलोचिस्तान, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है केपीके, केपीके में वाकया है कैलाश वैली। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, व्हेन नादरा वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि नादरा का इदारा कब कायम किया गया। ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शन ए है मार्च 10, 2001, ऑप्शन बी मार्च 10, 2000, ऑप्शन सी है मार्च 10, 2003, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सन 2000 में नादरा इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट डैश। ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी फैसलाबाद, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी रावलपिंडी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कराची। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है अलामा इकबाल, ऑप्शन बी हफीज जालंधरी, ऑप्शन सी कायद आजम, और ऑप्शन डी है लियाकत अली खान। और इसमें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हफीज जालंधरी। क्वेश्चन नंबर 21, इन सूरत काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड, यानी कि सूरह काफ में असहाब काफ के साथ किस जानवर का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए है कैट, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी है डॉग, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉग। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी थे जिनको शेर खुदा का टाइटल दिया गया। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस पढ़ लें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन बी जो है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ नाउन एज द कंपाइलर ऑफ कुरान, यानी कि सिंपल से इसका ये मतलब है कि कुरान पाक को किसने तरतीब दिया। ऑप्शन ए है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन बी है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ऑप्शन सी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, और ऑप्शन डी जो है कि इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। डियर व्यूअर्स, मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ 30 क्वेश्चंस ऐड करूंगा, वो इसलिए कि ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को समझ सकें और आप वीडियो देखते हुए बोर भी ना हो। और साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर मेरे क्वेश्चन आंसर्स में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में मेरी रहनुमाई ज़रूर करें। और इसके अलावा तो जनाब एक रिक्वेस्ट तो आपसे ज़रूर करता हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 24,
सलात खसूफ इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन बी है शॉर्टेज ऑफ रेन, ऑप्शन सी है ल्यूनर इक्लिप्स और ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूरज ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ अदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बैत रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरी। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो जनाब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 6 हिजरी को। क्वेश्चन नंबर 26, हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए है हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन बी अहमद जी छागला, ऑप्शन सी जो है अलामा इकबाल और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अहमद जी छागला। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी है मार्क जगरबर्ग और ऑप्शन डी है नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने हमेशा करेक्ट आंसर जहन में रखना है, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यही आपके जहन में होना चाहिए, रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच लाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए है वायलेंट लाइट, ऑप्शन बी है ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी है रेड लाइट और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो जनाब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इसमें 8.9 प्लस 2 और माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा। याद रखिए कि जब भी कभी आपके पास मैथ का क्वेश्चन हो और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हो तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आप प्लस वाला ऑप्शन करेंगे, फिर जो क्वेश्चन की जो बनेगी तरतीब बनेगी उसको आप माइनस करेंगे। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, -10.1 इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग न्यूज़पेपर। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑफ और ऑप्शन डी है फॉर। याद रखेंगे जब भी ये लफ्ज़ आएगा फॉन्ड, हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ होता है, यानी कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मतलब ETC, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा। डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए, अपने टेस्ट की तैयारी के लिए, किसी भी किस्म की जॉब के टेस्ट की तैयारी के लिए मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ढेरों वीडियोज़ अपलोड करके बताऊँगा कि कब और कहाँ जॉब्स अनाउंस होती हैं, और उसके टेस्ट की तैयारी के लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।